है मैं डाले के अंदर बैठ चुका हूँ और पीछे में बैठा हूँ। चढ़ाई से जो है बिल्कुल स्पीड से जो है डाला जो है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ये देखें आप। चलो यहाँ पे देखें ऊंट को जो है वो अनलोड कर रहे हैं, ये देखें, ये आप देखें ऊंट को जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रक से अनलोड किया है। तो ये आप देखें ऊंट बड़े गुस्से में लग रहा है इस टाइम पे, और छह लोग जो है वो ऊंट को पीछे की तरफ जो है वो पुश कर रहे हैं, ये देखें आप। ये मुर्गी की दुकान है, चिकन की शॉप है, ठीक है। ये हालत देखें, इस तरह की हालत हो चुकी है, ये देखें। मक्का शहर का व्यू कराता हूँ जूम करके। इस टाइम हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर मौजूद हैं, और जैसे पाकिस्तान में थल्ले वगैरह पर जो है वो बैठते हैं शाम के टाइम, बिल्कुल इसी तरह से जो है लोग जो है बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो गपशप यहाँ पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जुनैद यूएसए व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर एक बंगाली मार्केट है और अभी हम लोग वहाँ जाएँगे और यहाँ पर वहाँ के किस तरह के घर बने हुए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरह का माहौल है वहाँ पे, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो वो सब आपको जो है वो आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब जो है बिल्कुल फ्री में होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो आप ये देखें यहाँ पर जो है ये इस तरह की जो है हाई रूफ वगैरह खड़ी हुई है, देखें आप। और अगर आपको मस्जिद आयशा के लिए जाना है सेकेंड उमरा के लिए, तो आप इस तरह की हाई रूफ के अंदर जो है वो बैठ के जा सकते हैं, और इनका जो किराया है वो 10 रियाल जो है वो आने जाने का है, तो बहुत ही रीज़नेबल किराया है यहाँ पे। और ये आप यहाँ पे देखें इस होटल के सामने जो है वो मैं खड़ा हूँ, और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऊपर, और क्योंकि वो एरिया जो है चढ़ाई ऊपर की तरफ बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल जो गाड़ी है वो नहीं जाती, और हम जो जिस गाड़ी के अंदर बैठ के जाएँगे वो भी आपको दिखाएँगे कि कौन सी गाड़ी जो है वो ऊपर चढ़ाई के ऊपर चढ़ती है। अच्छा, तो आप यहाँ से ये फार्मेसी है, ठीक है, ये आप देख लें गाया फार्मेसी है, और इसके सामने जो बिल्कुल फ्रंट में जो स्ट्रीट है वही स्ट्रीट में आपको सीधा सीधा आने का है, ये देखें। अगर आप इब्राहिम खलील रोड से थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है होटल वगैरह जो है मिलेंगे, और उनका प्राइस जो है वो बहुत ही मुनासिब होगा। अच्छा, तो यहाँ पर लॉन्ड्री का आप नाम चेक करें, भाई भाई लॉन्ड्री। यहाँ पे इस तरह की जो है वो देखें गाड़ी जो है वो ऊपर जाती है, क्योंकि चढ़ाई होती है, ये गियर वाली गाड़ी होती है, ऑटोमेटिक गाड़ी में इतनी पावर नहीं होती जितना कि गियर वाली में होती है। तो इस तरह की गाड़ी जो है डाले आप कह लें तो जो कि है ऊपर चढ़ाई की तरफ जाता है, और दो रियाल जो है इनका किराया होता है जाने का ऊपर तक। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह के डाले जो हैं वो ऊपर से जो है आते हैं, ये देखें ये खाली जो है डाले आ रहे हैं, ये देखें। और यहाँ पर जो रोड पे सामान वगैरह बेचते हैं वो इस तरह के बैग वगैरह देखें सर पे उठा के जो है वो लेके जा रहे हैं, ये देखें आप। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें इस टाइम जो है मैं डाले के अंदर बैठ चुका हूँ और पीछे पे बैठा हूँ, ये देखें इस तरह के डाले के अंदर जो है वो बैठ के ऊपर जाऊँगा, और ये देखें आगे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है, और यहाँ पर भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि रोड जो है वो तंग है, और साइड में लोगों ने पार्किंग वगैरह भी जो है की हुई है जिसकी वजह से रोड जो है वो काफ़ी जो है वो जैम हो गया है। और अभी इनकी जो है पैसेंजर वगैरह जो है वो पूरे कर रहे हैं, और दो रियाल जो है वो ऊपर तक का किराया है यहाँ से, और बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट से जो है आपको गाड़ी मिलेगी, आप देख लें। ये एक होटल को जो है मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें ये होटल है, इसके बिल्कुल सामने से जो है आप नीचे से जो है गाड़ी के अंदर बैठेंगे, और यहाँ से जो है आप देखें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है इस टाइम पर, और ये सामने वाली गली में हम लोगों को जाना है ऊपर की तरफ। अच्छा, तो ये आप देखें यहाँ पे आप घर देखें, काफ़ी पुराने पुराने घर यहाँ पे बने हुए हैं, और बिल्कुल जो है वो तंग रोड है यहाँ पे, जिस तरह से जो है बहुत ही ओल्ड ज़माने के यहाँ पे जो है वो घर बने हुए हैं। आप विंडो एसी वगैरह की हालत देख सकते हैं ये कितनी ख़राब है, और यहाँ पर ये एक और चढ़ाई है, इस चढ़ाई से हम जो है ऊपर जाएँगे, और ये आप घर देखें कितना नीचे जो है वो बना हुआ है, और यहाँ पे बैठ के बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान में बचपन में जिस तरह हम लोग बैठते थे तो वो दिन जो है वो मुझे याद आ गए आज इस डाले के ऊपर बैठ के। ये आप घर देखें कितने पुराने और खस्ता घर है, ये देखें चढ़ाई से जो है बिल्कुल स्पीड से जो है डाला जो है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ये देखें आप। यहाँ पर ये पानी की सबील लगी हुई है, ये देखें, और अभी हम लोग ये देखें बड़े ख़तरनाक और बड़े डेंजर रोडों से जो है हम गुजर के जा रहे हैं, ये देखें ये बिल्डिंग देखें इसकी हालत देखें आप, और यहाँ भी ये देखें गाड़ी जो है एकदम रिवर्स जा रही है, ये देखें।
क्योंकि चढ़ाई में जो है आपको ब्रेक वगैरह जो है वो नहीं लगानी होती और स्पीड से जो है ऊपर चढ़ाई के ऊपर चढ़ना होता है, इसलिए गाड़ी जो है वो हमारी पीछे रिवर्स में आ गई है और जैसे ही आगे ट्रैफिक क्लियर होगा तो स्पीड में जो है वो चढ़ाई चढ़ेगी। और यहाँ पर इसी पॉइंट पे जो है हम लोगों को उतार दिया है और अभी हम लोग चढ़ते हैं ऊपर। यहाँ पे देखे किस तरह से जो है वो ट्रैफिक जैम हुआ है, तो भाई ने जो है वो हमें नीचे ही उतार दिया। और ये देखें, ये एक बकाला स्टोर है, छोटा सा स्टोर है और उसके सामने जो है फ्रूट वगैरह यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए। हम भैया आप देखें गलियाँ, आप देखें कितनी तंग गलियाँ हैं और काफ़ी जो है वो यहाँ पे मतलब के पाकिस्तान वाला ही माहौल है। अब देखें समोसे की शॉप के ऊपर मैं आया हूँ और ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये मिर्ची का पकौड़ा है क्या है? अच्छा ग्रीन चिली। और ये क्या है, ये समोसा कौन सा है? बूस्क, वो क्या होता है, कीमा आलू सब्जी? हाँ बूस्क का ओके। और वो चाट वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, ब्लैक चने की चाट है ये आप देखें। और ये क्या है, पकोड़ा। ये कौन सा वेज है या कौन सा है? चना का, ब्लैक चना का। अच्छा ये जो है ब्लैक चना का जो है वो पकोड़ा है ये आप देखें। और एक रियाल के आप कितने दे रहे हैं? एक रियाल के चार पीस जो है यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पर ये देखें मूंगफली वगैरह और बॉयल एग वगैरह यहाँ पे सेल हो रहे हैं। ये एक और वेजिटेबल की शॉप है और ये आप देखें फिश, फिश की दुकान है यहाँ पे। ये देखें काफ़ी डिफरेंट वैरायटी की यहाँ पे फिश रखी हुई है, ये देखें आप आइस वगैरह डाल के। यहाँ पे ये जो फिश है इसका नाम मैंने पूछा है तो भाई ने बताया है कि दुम्मस इसका नाम है और 15 रियाल जो है वो पर के जी आपको जो है यहाँ पर ये फिश मिलेगी। और बिल्कुल साफ वगैरह करके देते हैं ये लोग, राइट। ये मुर्गी की दुकान है, चिकन की शॉप है, ठीक है। और जैसा कि पाकिस्तान वगैरह में शॉप्स होती हैं पिंजरे के अंदर जो है वो चिकन वगैरह रखी होती है, बिल्कुल इसी तरह से जो है यहाँ पे ये चिकन की शॉप है। अभी पूछते हैं यहाँ पे क्या प्राइसेस वगैरह हैं इनके पास। पीस के हिसाब से जो है वो मुर्गी दे रहे हैं, ये वाली जो है वो 15 रियाल की है और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ठीक है ये 8 रियाल की है और जो नीचे आप देख रहे हैं ये जो है 25 रियाल की यहाँ पर जो है दे रहे हैं। और इस तरह से जो है वो चिकन को जो पीसेस वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप नीचे का व्यू देखें, हम लोग इस टाइम काफ़ी हाइट के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे ये एक और मुर्गी की शॉप देखें आप और सब्ज़ी की शॉप आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। ये देखें यहाँ पे भी जो है वो सब्ज़ी रखी हुई है इन्होंने। अच्छा तो यहाँ पे कोई भी आप पीस लें तो आपको 5 रियाल जो है, 5 रियाल जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखें कोई भी एक पीस आप लें। और ये तरबूज वगैरह बोल रहे हैं, ये तरबूज है, मुझे तो आइडिया नहीं है कि ये क्या है, लेकिन तरबूज तो इस तरह का मैंने देखा नहीं है। अच्छा तो अभी ये देखें ये पान के पत्ते वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, छालिया है, चूना है। पान वगैरह सेल कर रहे हैं यहाँ पर या क्या चीज़ आपके पास हो रही है? अरे ये पत्ते, या पान भी बनाते हैं आप? पान नहीं है, खाली ये पत्ता और छालिया है। छालिया किस तरह का मिलता है? छालिया जो नहीं है पाव 4 रियाल का और ये जो चूना है ये 4 रियाल का। ये 4 रियाल का चूना, ये पाव 10 रियाल। अच्छा 10 रियाल का जो है एक पाव जो है यहाँ पे पान के पत्ते जो है वो दे रहे हैं। और ये कहाँ से आप लोग लेके आते हैं? बांग्लादेश। अच्छा ये पत्ते जो है वो बांग्लादेश के हैं और छालिया वगैरह सब बांग्लादेश का है। अच्छा तो ये आप पूरा पान का सेटअप देखें, यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है बांग्लादेश से जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करके लाते हैं। और ये छालिया में भी आप देखें 4 किस्म की जो है इन्होंने कटिंग वगैरह की हुई है, जो साबित छालिया है वो इस तरह की है ठीक है। और ये इन्होंने जो है ये इस तरह राउंड शेप में जो है इसको कट किया हुआ है और ये इन्होंने जो है वो थोड़ी लंबी लंबी शेप में कट किया हुआ है। और ये जो है छोटी छोटी जो आप छालिया वगैरह खाते हैं तारा मुंबई, ये उस तरह का जो है इन्होंने पीस करके रखे हुए हैं। अच्छा तो यहाँ पे आप ये देखें कितनी तंग गली है ये देखें आप। और यहाँ पे आपको हर तरफ जो है वो कचरा वगैरह जो है वो दिखाई देगा, ये देखें आप। भाई एक भाई चाय बना रहे हैं तो देखते हैं कि ये किस तरह से चाय बनाते हैं। ये कॉफ़ी है या पत्ती है? हाँ ये आप क्या डाल रहे हैं? कॉफ़ी है। अच्छा और ये आप देखें गरम गरम पानी। और ये कितने का यहाँ पर आप सेल कर रहे हैं, क्या प्राइस क्या है इसकी? 1 रियाल 2 रियाल कितने का? 1 रियाल का जो है एक कप, 1 रियाल का एक कप यहाँ पे ये दे रहे हैं। ये देखें बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी है, कॉफी एक भी है। अच्छा तो यहाँ पे एक पान शॉप के ऊपर मैं आया हूँ, ये देखें
और यहाँ इनके पास पूरा ये चूना कत्था वगैरह जो है वो सब रखा हुआ है यहाँ पे। भाई एक लगा लो मीठा पान मेरे लिए। कितने का है मीठा पान? एक रियाल का जो है यहाँ पे मीठा पान दे रहे हैं। ये रे और ये इन्होंने जो है स्वीट डाला है। ये क्या नाम क्या है इसका, ये क्या चीज़ है? स्वीट है भाई को जो है वो उर्दू वगैरह नहीं आती। और ये हमारे लिए जो एक रियाल को जो है काफ़ी बड़ा पान इन्होंने जो है बनाया है, ये देखें। और ये गुलकंद वगैरह डाल रहे हैं, ये देखें ये गुलकंद है इसका मुझे पता है। और ये अभी जो है रूह अफजा जो है इसके ऊपर डाल रहे हैं। और ये हमारा पान जो है ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। और ये ऊपर से जो है लास्ट में इन्होंने जो है वो छालियाँ डाली। अच्छा तो यहाँ पे आप ये हालत देखें, इस तरह की हालत हो चुकी है ये देखें। और मैं आपको जो है शहर का, मक्का शहर का व्यू कराता हूँ जूम करके। इस टाइम हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पे एक डाला भी खड़ा हुआ है ये देखें। और यहाँ पर भी जो है आपको फिश वगैरह रखी हुई मिलेगी देखें। और ये देखते हैं ये आलिया वगैरह की शॉप है, पान पत्ता वगैरह। और यहाँ पर आप देखें स्ट्रीट का व्यू, लोग जैसे पाकिस्तान में थल्ले वगैरह पर जो है वो बैठते हैं शाम के टाइम, बिल्कुल इसी तरह से जो है यहाँ पे इस मार्केट के अंदर भी जो है लोग जो है बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो गपशप यहाँ पे कर रहा है। अच्छा तो ये दो शॉप भी जो है वो पान की शॉप है, ये देखें आप। ये आप दीवारों की हालत देखें, घरों की हालत देखें, बहुत ही खस्ता घर वहाँ यहाँ पर बने हुए। और ये मोबाइल शॉप है यहाँ की, ठीक है, मोबाइल एसेसरी वगैरह की शॉप भी है। और यहाँ पर ये आप देखें मसाले यहाँ पे पीसे जा रहे हैं, हरी मिर्चें वगैरह, लाल मिर्चें वगैरह, मसाले की शॉप है ये। ये बार्बर शॉप है यहाँ की, ये देखें आप। और ये रोड इतना तंग है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो एक गाड़ी को जो है वो वापस रिवर्स होना पड़ता है। जैसा कि आप ये देखें, ये फ्रंट से जो है एक गाड़ी आई है तो ये गाड़ी रिवर्स हो रही है। तो गाड़ियों के, दो गाड़ियों के एक साथ गुजरने में भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि रोड जो है वो बहुत ही तंग है। अच्छा तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो है ऊँट, ऊँट जो है वो एक गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। और ये आप देखें, ये देखें ऊँट को जो है वो गाड़ी ट्रक के अंदर जो है वो रखा हुआ है, ये देखें। अच्छा तो जैसा कि आप ये देखें यहाँ पर, ये फिर एक गाड़ी जो है वो फ्रंट से आई है और इस गाड़ी को जो है वो रिवर्स गाड़ी जा रही है इस गाड़ी को रास्ता देने के लिए। तो ये आप देखें, जब एक दो गाड़ियाँ आमने सामने आ जाएगी तो एक गाड़ी को जो है वो रिवर्स जाना पड़ेगा, जो बाद में आएगा, जो पहले आएगा वो रिवर्स जो है वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये भाई जो है कूलर में जो है वो शरबत वगैरह सेल आउट कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। चलो यहाँ पे ये देखें ऊँट को जो है वो अनलोड कर रहे हैं, ये देखें, ये आप देखें ऊँट को जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रक से अनलोड किया है। देखें आप, ऊँट जो है वो बड़े गुस्से में लग रहे हैं साहब। और यहाँ पे जो है ऊँट को अभी ज़िबा किया जाएगा, ये आप देखें। अब तो ये आप देखें ऊँट बड़े गुस्से में लग रहा है इस टाइम पे। और छह लोग जो है वो ऊँट को पीछे की तरफ जो है वो पुश कर रहे हैं, ये देखें आप। और काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश यहाँ पे जो है वो लग गया, ये देखें। अच्छा तो यहाँ पे एक किलो जो ऊँट के गोश्त की प्राइस है वो 25 रियाल है। अच्छा तो यहाँ पर जो है कबूतर भी सेल हो रहे हैं, देखें दो कबूतर जो है वो 30 रियाल में दे रहे हैं। और ये जो ब्लैक वाला मुर्गा है ये 70 रियाल का है, जो दूसरा वाला जो है वो 40 रियाल में दे रहे हैं। अच्छा तो ये आप देखें कितना ख़तरनाक रास्ता बनाया हुआ है ऊपर हाइट में, ये देखिए सीढ़ियाँ वगैरह जो है बनाई हुई ऊपर तक जाने के लिए। अच्छा तो आपको इस तरह से यहाँ पे जो है वो टेलर शॉप भी जो है वो मिलेगी, ये देखें ये जो है टेलर शॉप है। अच्छा तो आप ये देखें नीचे से गाड़ी जो है वो हाइट की ऊपर चढ़ाई पर आ रही है, लेकिन जो है इस गाड़ी को जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ये देखें आप। इसके जो है क्योंकि चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है और इसके व्हील जो है वो मुसलसल घूम ही जा रहे हैं और गाड़ी जो है थोड़ी थोड़ी जो है वो रिवर्स जा रही है, देखिए कितनी मुश्किल हो रही है गाड़ी को ऊपर आने के लिए। गाड़ी से जो है पैसेंजर को उतारा जा रहा है ताकि जो है वज़न वगैरह कम हो और गाड़ी जो है ऊपर आए, ये देखें आप।
कि आप जो नीचे का एरिया देख रहे हैं इसका नाम है हरत यमन। क्या आप सामने देखें मस्जिद है, यहाँ पे हम लोग मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। और यहाँ पे इस तरह से देखें मस्जिद के बाहर जो है वो वजू कर रहे हैं लोग खड़े होके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आपका नाम भाई? नाम। अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो कराची से हूँ, पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, यहाँ अच्छा कितना साल हो गया? 22 साल हो गए। 22 साल हो गया, ठीक है। अच्छा, आप मुझे इस इलाके का बताएं कि इस इलाके के बाद इस इलाके का क्या नाम है इस एरिया का? जारवान कहता है, ये सूरी जारवान नहीं है, बंगाली जारवान है। अच्छा, और यहाँ पे जो है कौन से लोग ज्यादा रहते हैं, कौन से वोट के? बर्मी लोग ज्यादा रहते हैं इस पहाड़ में। बर्मी सबसे ज्यादा बर्मी है, दूसरा नंबर टुकड़ी, तीसरा में बंगाली। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये घर बने हुए हैं ये सब लोगों के अपने घर हैं या किराए वगैरह पे रहते हैं? का ज्यादा है घर, अपना कम है, कबीर के नाम से लेना पड़ता है इसलिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो मार्केट के जो प्राइस हैं वो नीचे जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ठीक? बहुत फ़र्क है, बहुत फर्क है। नीचे 10 रियाल वाला यहाँ 5 मिलता है हर चीज़। हम आगा चाहता था क्योंकि वहाँ 2 लाख रुपए का दुकान पर किराया लगता है, इसलिए उन लोग ज़्यादा बेचते हैं। यहाँ दुकान का किराया 500 का है साल का, 6,000 है। वहाँ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रहता है, इसलिए ऊपर सस्ता है। डायरेक्ट हालांकि से डायरेक्ट ना के यहाँ ऊपर बेचता तो किराया नहीं पड़ता, इसलिए किराया थोड़ा पड़ता है। इसलिए आप मुझे ये बताएं यहाँ पे लोगों को आने जाने में मुश्किल नहीं होती क्योंकि ये काफ़ी हाइट के ऊपर है? ऊपर है, लेकिन यहाँ गाड़ी है माशाल्लाह से, गाड़ी आता है। सऊदिया वालों ने, हुकूमत वालों ने रोड बनाने पक्का, लेकिन ऊपर है ज़्यादा, लेकिन यहाँ गाड़ी चलाना बहुत हिम्मत वाला है ना। मतलब कि नॉर्मल जो है वो ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकता, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, ये बर्मी लोग या गोबरने लोग यहाँ के पुराने हैं, ये लोग चलाते हैं ज़्यादातर। चले गाड़ी फंस जाते हैं। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो अभी नीचे जाने के लिए दोबारा जो है मैं डाले के अंदर बैठ चुका हूँ, ये आप देखें। और अभी हम लोग इसी डाले के अंदर जो है वो दोबारा नीचे जाएंगे। तो ये जो है वाकई में बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है और यहाँ पे जो है नॉर्मल जो है वो ड्राइवर जो है यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकता, ये आप देखें। और फिर यहाँ पे जो है रोड जाम हो गया क्योंकि छोटे छोटे रास्ते हैं और हर तरह से जो है वो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये आप देखें। ड्राइवर किस तरह से जो है वो बहस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ। तो ये आप देखें अभी जो है वो गाड़ी भी जो है वो पीछे जा रही है हमारी गाड़ी को जो है वो रास्ता देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो, क्या नाम है आपका? मसाते। कहाँ से हो? बांग्लादेश? बर्मा। बर्मा से हो, माशाल्लाह काफी अच्छी उर्दू बोल देते हो, कहाँ से सीखी है? कहाँ से सीखी है? हाँ, इधर से। इधर से ही सीखी। और ड्राइविंग कहाँ से सीखी है? बड़ी खतरनाक ड्राइविंग करते हो भाई आप। अच्छा, चले, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तो आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।